रात अब किसी थके हुए मजदूर की तरह आंखों की शाख पर बैठ जाना चाहिए। पदार्थ मेरी थी, बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये मुशायरा नहीं, हर बरस की तरह एक तारीखी मुशायरा। अदा करता हूं जनाब रेहान आफ्ताब शादिया और फिर दो तीन लोग मिलकर इतनी बड़ी मेहनत लगा देते हैं कि पूरी दुनिया में इस मुशायरे का इंतजार किया जाता है। हमारा भी जो थोड़ा सा कद है वो तो शायद इसीलिए बाला कद है कि आप हमें इस मुशायरे में बुला लें। आपको बहुत ढेर सारी लोग हैं जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से वहां तक अक्सर हमारे छोटे भाई और बेटों की तरह बेटियों की तरह है जो शेर यहाँ से याद आ रहे हैं। याद कर रहा हूँ एक मतलब खासतौर से, मैंने शुरू में मेरी बात कही थी कि जो मुशायरा होता था, जो मैंने पढ़ा, जो हमने खुद भी लिखा, उस रात माएँ बहुत खुश रहती थी। तो जाहिर सी बात है ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि शेर में जहाँ से याद आ रहे हैं सुना रहा हूँ। एक मतलब ये है कि तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। और मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया। यहां से शेर याद आ रहे हैं। एक मतलब ये है, हमारे यहाँ उर्दू बहुत ऐसे लफ्ज हैं, हम भी आपके वालिद तो हमारे आइडियल हैं, बहुत सीखा मैंने उनसे, बहुत से लफ्ज ऐसे हैं जो गजल में नहीं थे। जैसे भी मीडिया ने बताया कि वहाँ पर मैंने बहुत शेर 40 साल 45 साल पहले जब लोग बुरा मानते थे कि साहब गजल के बारे में महबूब से बातें करना है, तो मैं कहता था जब एक मामूली औरत मेरी महबूब हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती। आज मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान की 22 जबानों में जब गजल लिखी जाती है तो उसमें मुनव्वर आने की कोशिश मौजूद रहती है, तो उसमें माँ की होती है। मैं जहाँ से भी शेर मैं अक्सर आता एक लफ्ज है इज्जत। आप लोग वाकिफ हैं, जो लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई उन्हें मालूम है कि जब तलाक हो जाती है या औरत बेवा हो जाती है तो 4 महीने 10 दिन उसे तरह बहुत तरह तनहा रहना पड़ता है। इसे मैंने गजल बनाया है। मतलब यह है कि ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में खट दी, ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। शेर यह है कि कुछ देर और तैरते रहते फदा में हम, कुछ देर और तैरते रहते फदा में हम, तूने पतंग गम जरा उजलत में काट दिया, तूने पतंग गम जरा उजलत में काट दिया, कुछ देर और तैरते रहते फदा में हम, तूने पतंग गम जरा उजलत में काट दी। शेर यह है कि गजल का शेर किस रुख से मैंने अर्ज किया है कि एक तूने पतंग गम जरा उजलत में काट दी, उस
فختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، اس فختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، وہ فختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی، اس فختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، وہ فختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی۔ آیا ہی تھا خیال کہ آلِ رسول ہیں، آیا ہی تھا خیال کے آلِ رسول ہیں، مطمئن مزہ نہیں ہاتھتے یار، دوسرے شیر بھی جہاں سے یاد آ رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے حالِ دلِ زار کھل گیا، بیٹھے بٹھائے حالِ دلِ زار کھل گیا، میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا، بیٹھے بٹھائے حالِ دلِ زار کھل گیا، میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا، اور مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رکھوں گرو، اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا، مٹی میں کیوں ملاتے ہو محنت رکھوں گرو، اب تو لباس جسم کا ہر تار کھل گیا، لپٹی ہوئی تھی جس سے تیری آرزو کی بیل، لپٹی ہوئی تھی جس سے تیری آرزو کی بیل، دیوار دل سے رات وہی تار کھل گیا، دیوار دل سے رات وہی تار کھل گیا، اشر یہ دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، میں خود کو باندھنے میں کئی بار تو دشوار کام تھا تیرے غم کو سمیٹنا، میں خود کو باندھنے میں کئی بار کھل گیا، اور شیریہ کی کاسا کاسا بھکشا پاتر کو کہتے ہیں، کاسے کی ایک دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، کاسے کی ایک دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، ہے کون کتنا شہر میں خوددار کھل گیا، ہے کون کتنا شہر میں خوددار کھل گیا، ہے کون کتنا شہر میں خوددار، کاسے کی ایک دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا۔ مجھے اتر پردیش میں مجھے بنا دیا گیا تھا وہاں اردو اکیڈمی کا صدر، تین مہینے بعد میں نے ریزائن کر دیا، تو مجھ سے میڈیا اور پوچھا کہ رانا صاحب وہ آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا، میں نے کہا بہت ضرورت ہے، ہماری قوم نے استعفیٰ دیکھا ہی نہیں تھا، خوشامد دیکھ رہی تھی۔ تو بہرحال جو کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، اور شعر یہ ہے کہ ایک آنسو بھی، سننا تمہارا شعر، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ اشعار یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے، ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے، قبر کی مٹی کا دیکھا برابر، قبر کی مٹی کا دیکھا مطلب یہ ہے کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے، تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے، یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا، یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا، سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو
जो उर्दू और हिंदी में सगी बहनों का रिश्ता है, जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जुबानों में कहीं दुनिया की दो जिंदा सगी बहनों का रिश्ता है, जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। और फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते, फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं। जमीन पर जो सुकून है आसमानों में, जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिस्कियों का तुम शहनाई छुपाती है। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है, आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो, और अजदाद की खुशबू खाली हिंदुस्तानी शेर है कि अजदाद की खुशबू हमें जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। मुमकिन है मेरे बाद की नस्लें मुझे ढूंढे, मुमकिन है मेरे बाद की नस्लें मुझे ढूंढे बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। दुनिया में तकरीबन 13 लाख एयर होस्टेस हैं, गजल की मामूली तारीफ में फजल के इश्क का ये आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। और शेर यह है कि अब सिर्फ जहाजों पे सफर करती है पगली, बचपन में जो कहती थी मेरे पर लगा दो। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई, जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। मैं किसी मिट्टी से उठा था बगोले की तरह और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। मैं इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। और शेर यह है कि खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी गई। फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये ड्यूटी मिल गई, फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। और शेर यह है कि फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई। और आखिर में गजल के चार पांच शेर, जैसे आप हजरात को मालूम है कि मैं इस साल 7 महीने एम्स में था,
अस्पताल ही में रहा, बल्कि जब मैंने आपकी जोड़ों बिठाव किया तो ये अंदाजा हुआ नहीं जितनी बार मैं अस्पताल चला गया और उसकी बातों को सुसरान भी नहीं गया था। तो गजल है समाज फरमान है, मेरी एक पोती है 5 बरस की, तो उनका नाम आयला था, उसी जमाने में मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ तो 2 बरस की थी, तो घर वालों का इसका नाम आयशा कर दिया जाए जो मेरी अम्मा का नाम था, तो वो आयशा हो गई। अब उनको दावा है वो मेरी अम्मा है, तो हर बात में धमकाती है, एयरपोर्ट हमको लेने के लिए गई तो लड़कियों ने थी हमारी जैसी लड़कियां खड़ी हुई, पूछा तुम किसको लेने आए, मेरा बेटा आ रहा है ना दिल्ली उसको लेने आए। तो बहुत वो एक आइटम है, बिल्कुल आई तो वो हमसे रोज 20 रुपये टोल टैक्स लेती है। तो मैंने कहा बेटे मेरे पास गाड़ी ही नहीं, छड़ी है खाली, अकेले नहीं था। हमने कहा टोल टैक्स बंद, तो कल रात को खाना बंद, बोलना बंद। तो देखिए मैंने एक सदर जी जा रहा है सुनाए सुन लीजिए। मेरी मिट्टी से मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आबादे जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आबादे जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। और शेर ये है एक कहानी जिंदगी की, क्या सुनाए हैं ये महफिल को, कहानी जिंदगी की क्या सुनाए हैं ये महफिल को, शकर खुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की कहानी जिंदगी क्या सुनाए हैं, शकर खुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और इस गजल का शेर आखिर ये है कि मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती, मेरी उंगली पकड़ कर दूर तक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अगले महफिल को, शकर खुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और आखिर में 2-3 शेर ये हैं, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है, और मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर बरसती है, मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर बरसती है, किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लगती है, किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है। अशर आखिर ये है कि बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें रहना, बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें रहना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म।